वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमय। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है त्योहार। त्योहार यानी फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल कौन सी ऋतु में आता है और वो उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। होली कब आती है? होली आती है वसंत ऋतु में। कब आती है? वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु कब आती है? मार्च और अप्रैल में। तो होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बच्चे तरह तरह के रंग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, पिचकारियाँ, गुब्बारे एक दूसरे पे, पिचकारियों से रंग डालते हैं, गुब्बारे एक दूसरे पे फेंकते हैं, तो होली में बहुत मजा आता है। अब दूसरा त्योहार लेते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब आता है? वो भी वर्षा ऋतु में आता है। और वर्षा ऋतु कब आती है? जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर। तो वर्षा ऋतु में यह त्योहार आता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती हैं और भाई उन्हें वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। यानी भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि जब भी उसको मेरी मदद तुम्हारे को मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं जरूर तुम्हारे यहाँ पे उपस्थित होकर तुम्हारी मदद करूंगा। तो रक्षाबंधन का यही अर्थ है। और बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती है, राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, भाई उनको ये इस वचन के साथ साथ उपहार देता है, कुछ भेंट देता है। अब तीसरा त्योहार लेते हैं जन्माष्टमी। कब आती है जन्माष्टमी? यानी श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? तो वो भी वर्षा ऋतु में ही सेलिब्रेट होता है। और इस दिन सारे मंदिर सजाए जाते हैं, श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाया जाता है, झूले में उनको झूला सजाया जाता है और रात भजन कीर्तन किए जाते हैं और रात के 12 बजे वो जन्मोत्सव मनाया जाता है। यानी श्री कृष्ण का बर्थडे रात को 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो कौन से महीने में आती है वर्षा ऋतु? जुलाई, अगस्त और सितंबर। बच्चों को जस्ट जानकारी के लिए मैंने इधर लिखा है, वरना हमें सिर्फ ऋतु बतानी है। जन्माष्टमी कौन सी ऋतु में आती है, रक्षाबंधन कौन सी ऋतु में आता है, तो बस ये। लेकिन ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बच्चों को बता रही हूँ। दशहरा कब आता है? दशहरा ये कब आता है? शरद ऋतु में आता है। और शरद ऋतु कब आती है? अक्टूबर और नवंबर में। तो शरद ऋतु में दशहरा सेलिब्रेट होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक बड़े से मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की ये के पुतले पटाखे भर के खड़े किए जाते हैं। फिर जो राम ये जो रामलीला में जो राम बनते हैं वो उन्हें आकर अपने तीर से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इससे इस त्योहार से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो लेकिन अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है, यानी अच्छाई से हार जाती है। तो ये दशहरा का पर्व है बुराई पर अच्छाई की विजय। तो ये कब मनाया जाता है? शरद ऋतु। दीपावली कब आती है? दीपावली कौन सी ऋतु में आती है? शरद ऋतु में आती है। और शरद ऋतु कब आती है? अक्टूबर और नवंबर में। दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन श्री गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली आने से पूर्व घरों की सफाई की जाती है और पेंट वगैरह किया जाता है। दीपावली को मनाने के पीछे क्या कारण है कि श्री राम इस दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया था। भैया दूज कब आती है? भैया दूज आती है शरद ऋतु में। शरद ऋतु कब आती है? अक्टूबर और नवंबर में। तो भैया दूज आती है दीपावली को सेलिब्रेट करने के बाद में, 2 दिन बाद में। इस दिन बहनें अपने भाइयों के तिलक लगाती है और उनकी आयु के लिए मंगल कामना करती है और भाई बदले में उन्हें कुछ उपहार देते हैं। और क्रिसमस कब आता है? ये तो सब बच्चों को पता है। क्रिसमस कब आता है? हेमंत ऋतु में। ये कब आता है? दिसंबर में। कब आता है? दिसंबर में। हेमंत ऋतु कब आती है? दिसंबर और जनवरी मिड तक रहती है। तो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पहले क्रिसमस ट्री लाते हैं घर में, उसको उसमें तरह तरह की वो चीज़ें टांगते हैं। उसके बाद में एक बोझे में अपनी विश टांगते हैं। फिर रात को 12 बजे तक वो कैंडल जलाते हैं और उसके बाद केक काटते हैं। और अगले दिन जो है सेंटा क्लॉज उनकी विश पूरी करता है। उन्होंने मोजे में जो भी विश लिखी होती है वो गिफ्ट उनके बेड के सिरहाने रखा होता है। पता है बच्चों ये सेंटा क्लॉज कौन है हमारी लाइफ में? हमारे माता पिता। अंग्रेजी नया वर्ष कब आता है? ये भी हेमंत ऋतु में आता है। कब आता है? हेमंत ऋतु में, यानी दिसंबर और जनवरी में आता है। न्यू ईयर सेलिब्रेट सभी बच्चे करते हैं।
और कैसे करते हैं, सब अलग अलग ढंग से करते हैं। गुड़ी पड़वा कब आता है, ये है आंध्र प्रदेश का त्योहार है, ये ग्रीष्म ऋतु में आता है। रामनवमी कब आती है, यानी राम का जन्मोत्सव हम लोग कब मनाते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, राम दरबार की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन हनुमान जी ने अपने शरीर पे पूरे शरीर पर सिंदूर डाल लिया और बोले कि मैं अपने स्वामी की उम्र इतनी ही चाहता हूँ। यानी एक बार सीता माता को हनुमान जी ने सिंदूर लगाते हुए देखा, तब पूछा, माता आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने पूछा, सिंदूर लगाने से स्वामी की उम्र बढ़ती है। तब हनुमान जी ने पूरे शरीर पे ही सिंदूर लगा लिया। तब उनसे रीजन पूछा कि आपने ये इतना सिंदूर पूरे शरीर पे क्यों लगा लिया, कि मैं अपने स्वामी की उम्र बहुत ज्यादा चाहता हूँ। तो इसीलिए हनुमान जी को क्या कहा जाता है, राम भक्त कहा जाता है। राम भक्त में अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, हनुमान जी का। तो रामनवमी के दिन हम हनुमान जी के चोला भी चढ़ाते हैं। अब आते हैं हम स्वतंत्रता दिवस कब आता है, स्वतंत्रता दिवस कौन सी ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में, यानी अगस्त के महीने में आता है। 15 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमें भारत को आजादी मिली थी और हमें आजादी की रक्षा करने के लिए कोई भी प्रयत्न करना पड़े हमें पीछे नहीं हटना। गणतंत्र दिवस कब आता है, गणतंत्र दिवस आता है शीत ऋतु में, यानी जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इसे रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। इस दिन झंडा फहराया जाता है और झांकियां निकाली जाती है, सारी सेनाएं अपनी अपने तरफ से अपना प्रदर्शन करती है। बहादुर बच्चों को इस दिन हाथी पर चढ़ाकर घुमाया जाता है, फिर उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नवरोज कब आता है, अब ये नवरोज क्या होता है, पारसी लोगों का जो नववर्ष होता है उसे कहते हैं नवरोज। तो ये वर्षा ऋतु में आता है। इस दिन पारसी लोग बहुत सुंदर तरीके से तैयार होते हैं और अपने गिरजाघरों में जाते हैं और बहुत एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। गणेश चतुर्थी कब आती है, गणेश चतुर्थी के बारे में कौन नहीं जानता। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। इस दिन ये वर्षा ऋतु में आता है। गणेश की मूर्तियां लोग घरों में लाते हैं, पंडाल सजाए जाते हैं और गणेश जी की सुबह शाम आरती की जाती है, उन्हें लड्डू का भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति कब आती है, मकर संक्रांति के दिन, यानी मकर संक्रांति के दिन बहुत पुण्य किए जाते हैं। गंगा स्नान का बहुत महत्व है और ये गंगा सागर में स्नान करना इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और ये आती है शीत ऋतु में। नाग पंचमी कब आती है, नाग पंचमी आती है हमारी वर्षा ऋतु में। इस दिन औरतें नाग देवता की पूजा करती थी, लेकिन अब नाग संभव नहीं है, यानी स्नेक की पूजा करना अब संभव नहीं है, तो दीवार पर ही स्नेक बनाए जाते हैं और उन्हें सेवैयों की खीर चढ़ाई जाती है, मालपुए बनाए जाते हैं नागपंचमी के दिन। तो नागपंचमी आती है वर्षा ऋतु पे। महावीर जयंती कब आती है, ये आती है ग्रीष्म ऋतु। ये जैनी, जो जैनिज्म है, उन लोगों का प्रमुख त्योहार है और वे इस दिन इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। धनतेरस कब आती है, धनतेरस आती है दीपावली से 2 दिन पहले। इस दिन कहा जाता है कि इस दिन जो भी शॉपिंग की जाती है तो उससे धन धान्य बढ़ता है। यदि हम बर्तन खरीदते हैं तो हमारे घर में धन धान्य बढ़ता है, गहने खरीदते हैं प्रोस्पेरिटी बढ़ती है और कुछ भी अच्छा खरीदना चाहिए, शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। तो धनतेरस के दिन हम लोग लक्ष्मी गणेश जी को घर पे लाते हैं और पूजा लेकिन दीपावली के दिन की जाती है। तो वो धनतेरस कब आती है, शरद ऋतु में। शरद ऋतु कब आती है, अक्टूबर नवम्बर में। गांधी जयंती कब आती है, गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे। सब बच्चों को इंग्लिश में तो पता है 2 अक्टूबर को, लेकिन ऋतु कौन सी होती है, शरद ऋतु, और शरद ऋतु हमारी रहती है अक्टूबर में। शिक्षक दिवस कब आता है, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे, ये आता है वर्षा ऋतु में। इस दिन बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट में तरह तरह के प्रोग्राम रखते हैं और टीचर्स भी बच्चों के सामने बच्चे बन जाते हैं, उनको यानी बच्चों को टीचर अपने प्रोग्राम करके दिखाते हैं, उन्हें डांस करके दिखाते हैं, उन्हें गाना गाकर दिखाते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं। टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ करें। तो इसे शिक्षक दिवस इस तरह सेलिब्रेट होता है। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, माँ के बाद में यदि कोई अगर आपके जीवन में महत्व रखता है तो वो शिक्षक। इसलिए शिक्षक के कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा
सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन की जो बेस है उसको तैयार करते हैं। और लाइफ में हम जो भी सीखते हैं वो एक टीचर से ही सीखते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। नहीं कर रही। बाल दिवस कब आता है? बाल दिवस कौन सी ऋतु में आता है? शरद ऋतु में, यानी 14 नवंबर को बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बाल दिवस कहते हैं किसको? है चिल्ड्रंस डे को। इस दिन बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं, स्कूलों में बच्चों को केक चॉकलेट सब दी जाती है और बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा कब मनाई जाती है? दुर्गा पूजा मनाई जाती है शरद ऋतु में। ये कलकत्ता का प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। यहाँ पे तरह तरह के पंडाल सजाए जाते हैं, माँ दुर्गा अपने परिवार समेत यहाँ पे 8 दिन के लिए आती है और बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। पूरी रात सब लोग पंडल होपिंग करते हैं और बहुत खुशी से इस त्योहार को मनाया जाता है। एक अलग सी रौनक हो जाती है कलकत्ता में, चारों तरफ शहनाई गूंजती है और एक अलग सा ही वातावरण हो जाता है। तो दुर्गा पूजा हम कब मनाते हैं? शरद ऋतु के इसमें। तो देखा बच्चों कितना आसान है, कौन सा त्योहार कौन सी ऋतु में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए आपको लिखा है कि कौन सी ऋतु कौन सा महीने में आती है, अदरवाइज आपको सिर्फ यहाँ पे ऋतु लिखनी है। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुझान कम हो गया है वो बढ़े, और बच्चे जितने इस पर अभ्यास करेंगे उतना ही वो इस पर कमांड कर सकेंगे। और बच्चों की जनरली वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती है, तो बारखड़ी पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बच्चों को जिस भी मात्रा में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे उसका निरंतर अभ्यास करेंगे, कम से कम उसको 10 बार सुने और एक से दो बार लिखें, तब बच्चों की वो जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद।